हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक लव योर ऐप के बारे में। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक लव योर ऐप होता क्या है। बेसिकली जो एकलव्य ऐप होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के पर्पज़ से होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्जामिनेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एज अ टीचर हो, एज अ स्कूल हो या कॉलेज हो, तो आप एग्जामिनेशन लेने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो एकलव्य ऐप बेसिकली जो होता है वो एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए होता है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना होगा। प्ले स्टोर में जैसे ही आप चले जाओगे, आपको सिंपली सर्च करना है एकलव्य, EKLAVYA, एकलव्य सिंपली आपको इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च कर देते हो, आपके सामने एकलव्य ऐप ओपन हो जाता है। मैं ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो करके नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैमरा परमिट कर देने के बाद कैमरा वर्क नहीं कर पाता है। वहाँ सिर्फ आप एग्जामिनेशन दे पाते हो और सिंपली आप उसको लॉग आउट कर पाते हो, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है शो करना, ना ही स्क्रीनशॉट ले पाना। इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से ओरली बता रही हूँ, एंड आई रियली होप कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना होता है प्ले स्टोर, और वहाँ पर जा करके आपको एकलव्य ऐप को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना होता है, या जो भी डिवाइस है आपके पास, टैबलेट या मोबाइल जो भी है। सो उसके बाद जैसे ही अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेते हो, आपको 1 से 2 मिनट में ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। एंड देन आप लोगों को इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे कैमरा, वॉइस, ये दो का परमिशन मांगा जाता है, तो आपको दोनों परमिशन अलाउ कर देना होता है। वहाँ पे ऐसे कॉन्टैक्ट का भी रहता है ऑप्शन, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट मन है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उतना नेसेसरी नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए मेन पर्पज़ है कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए, एंड ऑडियो जो है वो आपका ऑन रहना चाहिए। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन रहने के लिए। देन आप जैसे ही अपना आपका जब भी एग्जामिनेशन होता है, तो उससे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन में आप लोगों का जो भी होता है ईमेल आईडी या व्हाट्सअप, उसमें आप लोगों को दे दिया जाएगा जो यूज़र नेम होता है वो यूज़र नेम, एंड आप लोगों को पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो आपको अपना जो यूज़र नेम जो आपको ईमेल आया है या व्हाट्सअप आया है, जो भी स्कूल कॉलेज ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है। एंड देन आप लोगों को अपना पासवर्ड जो भी है स्कूल कॉलेज के साइड से जो भी है आपको वो डाल देना, अपना पासवर्ड नहीं लगाना है ईमेल आईडी का, क्योंकि वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। सो उसके बाद फिर आप लोगों को जो ईमेल और पासवर्ड जो है आप लोग वो जब डाल देंगे, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैप्चा का, जिसमें कि आपको कैप्चा जो है वो सेलेक्ट करना होता है। कैप्चा जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को उसको एक जो तीनों चीज़ है उसको सेव कर लेना होता है। एंड अपने एग्जामिनेशन के 15 मिनट पहले ये सब चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क का कभी इशू होता है, कभी कुछ और इशू हो जाता है, कभी कैप्चा जो है वो सही से हो नहीं पाता है, तो उसके कारण आप लोग 15 मिनट करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा एग्ज़ाम के। देन आप लोगों जैसे ही इसको ओके कर देते हैं, आपके मोबाइल पर शो होने लगेगा या लैपटॉप जो भी है उस पर शो होने लगेगा आप लोगों को एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप लोग आपका जो भी एग्जामिनेशन है कितनी देरी में स्टार्ट होगा, कितने टाइम में स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को वहाँ पे शो होने लगेगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, तो आपको वहाँ पे शो होने लगेगा कि अभी 20 सेकेंड बाकी है, 10 सेकेंड बाकी है, 1 मिनट बाकी है, जो भी टाइम बचा हुआ होगा वो आपको वहाँ पे टाइम शो होने लगेगा। एंड देन आप लोगों को वहाँ पे जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो, 20 सेकेंड बीत जाएगा या जो भी टाइम है वो बीत जाएगा, सो आपको वहाँ पे शो होने लगेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने लगेगा। आपको सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे और MCQs शो होंगे, आपको ऑप्शंस में ABCD जैसे कि KBC में रहता है ना, उस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, एंड आप लोगों को सिलेक्ट करना रहता है, एंड उसके बाद फिर ओके करना रहता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मतलब क्या जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो हम क्या पीछे आ सकते हैं क्या, जो आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप प्रीवियस पे अगर जाना चाहो तो आप प्रीवियस पे जा सकते हो और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन भी रहता है रिव्यू का कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। अगर वो ग्रीन रहेगा तो मतलब वो क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट कर लिया है, रेड रहेगा तो वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, और अगर आप लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो भी आंसर है वो सही कर दीजिए ना, खाली मत छोड़िए। जो भी आंसर है वो सारा आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर देंगे तो भी चलेगा।
सो उसके बाद फिर आप लोगों को, अब जब सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है वहाँ पे ओके का, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। एंड देन आप लोगों का जो सबमिट का एक ऑप्शन फिर आएगा, फिर सबमिट कर देना है। फिर आपका जो भी क्वेश्चन और जो भी आंसर्स जो भी चीज़ का है वो आपका सबमिट हो जाता है, एंड फिर आप उसको लॉग आउट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे शो नहीं होगा आपका फेस, लेकिन आपके क्वेश्चन के थोड़ा नीचे थोड़ा अगर आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना फ़ोटो दिखने लगेगा कि आप हो वहाँ पे, आप कैमरा के नज़र में हो। तो उस टाइम पे चीटिंग करना अलाउ नहीं होगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्ज़ाम दीजिएगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरीके से एग्जामिनेशन ले रही हैं, जैसे कि संजय वियर कॉलेज पटना में जो है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस तरीके से एग्जामिनेशन ले रही हैं। सो गाइज, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाता आप लोगों को शो करना कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन इसमें दिया जा सकता है, तो मैं ज़रूर शेयर अप करती आप लोगों के साथ। हमेशा टेक वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहती हूँ। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।